अभी तक की पूछताछ से सामने आया है कि ये लोग दावते इस्लामी नाम की संस्था से इनमें एक गोस मोहम्मद नाम के व्यक्ति का आना जाना था, संपर्क था, उसके टच में थे। इन सभी बातों को देखते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार इस प्रकरण को प्रारंभ से ही एक्ट ऑफ टेरर मानते हुए यूएपीए के अंतर्गत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और उसी के अनुसार इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। और इसी क्रम में जो एनआईए है उनको सूचित करते हुए उनकी सहायता के लिए भी अपील की गई थी और इसी की पालना में एनआईए भी रात में ही वहां से रवाना होकर सुबह तक हमारे अनुसंधान में जुड़ गए हैं। को ध्यान होगा उस टाइम एक घटना घटी थी कि एक बयान राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया था आपत्तिजनक, जिसका चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उसमें आलोचना हुई थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो एक एनवायरनमेंट था वो सरचार्ज था। यहाँ पर एसएचओ द्वारा जो सिचुएशन का आंकलन सही नहीं कर इसमें जो दोनों पक्षों को बैठाकर एक समझौता या ये कह लीजिए कि एक समझाइश की गई और दोनों ने कि भाई ठीक है मैं अपनी दुकान खोलता हूँ और हम भाईचारे से रहेंगे और इस तरह वो मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया। कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। इस संदर्भ में एएसआई को कल तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जा चुका है और एसएचओ को आज हमने सस्पेंड किया है।